और देश हित में अब बात हिजाब के खिलाफ चल रहे विश्वव्यापी आंदोलन की। महिलाओं के आंदोलन की जो चिंगारी ईरान से शुरू हुई थी, उसने पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले लिया है, यहां तक कि अफगानिस्तान भी। आज हम आपको अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में हिजाब के खिलाफ महिलाओं का प्रदर्शन दिखाएंगे। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो इसलिए आपको देखना चाहिए क्योंकि तालिबान राज में बंदूकधारी सुरक्षा कर्मियों के सामने हिजाब के खिलाफ महिलाओं का आवाज उठाना ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके लिए बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। अफगानिस्तान का सुरक्षा कर्मी या कहें तालिबान का लड़ाका महिलाओं पर बंदूक उठा रहा है। तालिबान समर्थक एक शख्स काबुल में प्रदर्शनकारी महिलाओं के हाथों से पोस्टर छीन रहा है। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की इन दिलेर महिलाओं की हिम्मत देखिए, सड़क पर डटी हुई है। ये महिलाएं ईरान में हिजाब के खिलाफ हो रहे आंदोलन के समर्थन में बैनर और पोस्टर लेकर उतरी है। इस पोस्टर पर महसा अमीनी समेत उन लड़कियों की तस्वीरें हैं जो हिजाब के खिलाफ आंदोलन की पोस्टर गर्ल बनी और ईरान के सुरक्षा बलों ने जिनकी जान ले ली। वो अलग बात है कि इन महिला प्रदर्शनकारियों ने हिजाब हटाया नहीं बल्कि चेहरा ढककर ही नारेबाजी की। महिलाओं पर पाबंदियों को लेकर ईरान भी अफगानिस्तान बनता जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि ईरान की प्रदर्शनकारी महिलाओं को काबुल की कुछ महिलाओं का साथ मिला है। अफगानिस्तान की तरह ईरान में भी महिलाओं के लिए हिजाब पहनना अनिवार्य है। स्पोर्ट्स में अफगानिस्तान की महिलाओं के हिस्सा लेने पर पाबंदी है। वहीं ईरान में महिलाएं स्टेडियम में जाकर मैच तक नहीं देख सकती। अफगानिस्तान में महिलाएं टीवी सीरियल में काम नहीं कर सकती। महिला एंकर भी हिजाब पहनकर ही एंकरिंग कर सकती है। वहीं ईरान में महिलाओं के लिए पब्लिक में डांस करना मना है। अफगानिस्तान में 72 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा महिलाओं को अकेले करने की इजाजत नहीं है। वहीं ईरान में शादीशुदा महिलाएं पति की इजाजत के बिना देश के बाहर नहीं जा सकती। ईरान की महिलाएं जबरदस्ती के हिजाब में बंधकर नहीं रहना चाहती और इसीलिए वो विरोध कर रही हैं। प्रदर्शन के दौरान हुई महसा अमीनी की मौत के बाद हिजाब के खिलाफ आंदोलन तेहरान से पूरी दुनिया में फैल गया। हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन की ये तस्वीरें नॉर्वे की है, जहां लोग ईरान की एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे। टर्की में भी महिलाएं हाथों में पोस्टर लेकर सड़क पर उतरी। पोस्टर पर महसा अमीनी की तस्वीर है। एक पोस्टर पर मैसेज लिखा है, वुमेन लाइफ फ्रीडम, यानी महिला जिंदगी और आजादी। रिपोर्ट जीवी।